नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिशो भगवाय अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवति एच बुद्धाय तीता चाइच बुद्धाय नागता पच्चुपन्ना चै बुद्धाय अहं वंदामि सर्वदा नति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं हि तीन सच्च वर्जिनुहुतु तय जय मंगलं उत्तमंगीन बंदेहं पादुपं शुभरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो कमतु तममं इयं किंच रत्नं लोके विच्छति विविधापुतु रत्नं बुद्ध समं नत्ति तस्मा सोति भवन्तु ते यो सरसिन्नो बरबोधिमूली मारं ससेनं महति बीजे त्वा संबोधि मा गच्छे अनंतयाडो लोकोत्तमो तं परमामि बुद्धं बुद्धं नमः स्वाकातो भगवता धम्मो चंडीटिको अकालिको वैपाशिको उपनायिको पश्चत्तं वेदिता भूमि जुहीति ये च धम्माय तीता चाये च धम्माय नागता पच्चुपन्ना चये धम्मा अहं वंदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु तय जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेऽहं धम्मं च दुविधं वरं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तममं यं किंच रत्नं लोके विद्यति विविधापुतो रत्नं धम्म समं नत्ति तस्मा सोति भवन्तु ते अष्टाङ्गिको वर्यो पथो जनानां मोखापवेशा उजुको मग्गो धम्मो अयं संत करो पणीतो नियान को तं परमामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सायाई पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीटि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंचत्तारि पुरुष युगानि यत्र पुरुष पुग्गला एष भगवतो शावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुञ्यंकेतं लोक शांति एच संघाय तीता चाये च संघाय नागता पच्चुपन्ना चै संगा अहं वंदामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु तय जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेहं संगं यति बुधोत्तमं संगेयो खलितो दोषो संगो कमतु तममं यं किंच रत्नं लोके विद्यति विविधापुतो रत्नं संग समं नत्ति तस्मा सोति भवन्तु ते शंघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो शांतिन्द्रियो शब्दमलपहीनो गुणेहिनेके समाधिपत्तो अनाशवो तं प्रणमामि संगं संगं नमः इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया बुद्धं पुजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया धम्मं पुजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया संगं पुजेमि
दाय माय पड़िपत्तिया जाजरा पण महापण पुच्छ साम इमना पुयन कमेन मामी बाल समागमो शतंग समागमो होत्याव निबाण पतिया देवो वशत कालीन सस संपत हेतु चा हीतो बहुत लोकोच राजा बहुत दम्मिको भो एतेन सच्च वज्जेन सोतते सह संपदा एतेन सच्च वज्जेन सब रोग शोक वह बिना सतो। तो अभी हमने जो भूत वंदना में नौ गुण होते, धम्म वंदना में छह गुण होते और संग वंदना में नौ गुण होते। तो नौ गुण कौन कौन से? इति पिशो भगवा अरहन, यानी कैसे भगवान अरहन शम्मा सम सबुद्धों की बात, शम्मा सम बुद्धो विद्या और आचरण में संपन्न सुगतो लोक, यानी लोक लोकांतर के रहस्य को जाने जानने वाले और स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले और देवताओं और मनुष्यों के गुरु और उन्हें बोध कराने वाले अनुपम साथी के समान ये नौ गुण होते हैं। स्वाखा तो भगवता धम्मो, यानी भगवान का स्वयं का जांचा परखा धम्म और विद्वान पुरुषों के जानने योग्य है और कालांतर में नहीं यहीं पर दिखाई देने वाला है, आओ और इसे करके देख लो निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। सुपटिपन्नो भगवतो, यानी भगवान का श्रावक संग सुंदर मार्ग पर चल रहा है। उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, भगवान का श्रावक संग सुमार्ग पर चल रहा है। याई पटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, भगवान का श्रावक संग न्याय मार्ग पर चल रहा है। श्यामी इचपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, भगवान का श्रावक संग जो है समय के अनुकूल चल रहा है। यदिदं चतार पुरुषुगान अठ पुरुष भुगला, जो आठ पुरुषों के चार जोड़े हैं वही उनका भगवान बुद्ध का श्रावक संग है। तो कौन है आठ? आठ पुरुष कौन है? चार जोड़े कौन है? जैसे स्रोतापन जो स्रोत में बह रहा है और स्रोतापन फल प्राप्त कर चुका है। सकर्तागामी, सकर्तागामी में रत है और उसे प्राप्त कर चुका है, चार लोग हुए दो जोड़े। सकर्ता अनागामी, अनागामी और अनागामी फल प्राप्त कर लिया हो, छह लोग हो गए। अरहंत और अरहंत फल लाभी, यानी आठ लोगों के चार जो जोड़े हैं वही भगवान का श्रावक संग है। तो फिर क्या कहते हैं? आहु नहीं हो, यानी आवाहन करने योग्य है। पाहु नहीं हो, पाहुन बनाने योग्य है। दक्षिणे हो, दक्षिणा देने योग्य है। अंजल करने हो, हाथ जोड़ने वाले हैं, यानी दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है। पुण्यंखेतं लोकशान्ति, जिस प्रकार से हम पुण्य का खेत तैयार करके उसमें बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सदा सुखी रहे। भाई मैं समारी